तो स्वागत है आप सभी को एक नए और फ्रेश वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटो जी 5G के बारे में। क्या ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, क्या इस फोन को लेना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक तो 5G इंडिया में नहीं आया है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोग को देने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो लेट्स प्ले द म्यूजिक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वीडियो लेट क्यों आता है। दोस्तों मैं रिसर्च करता हूँ, ठीक है, जो भी स्मार्टफोन्स लॉन्च होता है ना मैं रिसर्च करता हूँ, यूजर्स देखता हूँ, तो इसीलिए वीडियो आने में थोड़ा सा लेट होता है। तो अभी बात करते हैं कि मोटो जी 5G की स्पेक्स क्या क्या है। वैसे आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू बता देता हूँ। डिस्प्ले है 6.7 इंच का, 5000mAh की बैटरी है, स्नैपड्रैगन 750 5G दिया गया है। ये एक स्पेशल फीचर है इस फोन की, ठीक है। और यहाँ पर रैम वेरिएंट है 4GB 6GB, आप लोगों को तो पता ही है। और इसकी जो प्राइस है वो है 20,999, यानी कि 21,000। तो ये तो हो गया ओवरव्यू, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि जिन लोगों को पता नहीं है या फिर अभी भी डाउट हो रहा है कि मोटो जी 5G के अंदर किस टाइप की डिस्प्ले प्रोटेक्शन दिया गया है, तो उसका आंसर है गोरिल्ला ग्लास, ठीक है। अभी वर्जन कौन सा है ये मुझे नहीं पता, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कितनी देर तक हम सिर्फ स्पेक्स को सुनते रहेंगे। तो यहाँ पे जो मोटो जी 5G है ना, मोटो जी 5G पूरी तरह से इंडिया में बनाया गया है। हालांकि जो पार्ट्स है, जो कंपोनेंट्स है, वो बाहर से आया है, लेकिन पूरी तरह से मैन्युफैक्चर किया गया है इंडिया के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट है कि इस फोन के अंदर है स्नैपड्रैगन 750। दोस्तों यहाँ पे क्या आपको पता है कि जो स्नैपड्रैगन 750 वाला ये जो फोन है ना, ये एक पहला स्मार्टफोन बन जाता है इंडिया के अंदर, जो कि जिसके अंदर लगा है स्नैपड्रैगन 750 5G चिपसेट, ठीक है। और इससे पहले कोई भी फोन नहीं आया है, यानी कि यही पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर है स्नैपड्रैगन 750 5G, जो कि और भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट है UI, यानी कि यूजर इंटरफेस। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है एक क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक स्टॉक एंड्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को कोई भी जंक्स, एक्स्ट्रा जंक फाइल्स या फिर एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस या फिर एक्स्ट्रा एड्स कुछ भी आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। और मेरा ये एक पर्सनल फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यानी कि जो स्टॉक एंड्रॉयड होता है ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है कैमरा सेटअप। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। अब इस फोन के अंदर दिया गया है 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल पीछे की तरफ तीन कैमरास। अभी आप लोग सोच रहे कि यार इससे कम प्राइस रेंज के अंदर हमें तो चार कैमरा मिल जाता है या चार कैमरास मिल जाता है पीछे की तरफ, लेकिन दोस्तों नहीं, कैमरा के नंबर मैटर नहीं करता है, इमेज की क्वालिटी कैसा देता है यानी कि कैसा प्रोवाइड करता है आप लोगों को, ये मैटर करता है। यहाँ पे 12 मेगापिक्सल भी इनफ होता है, ठीक है, लेकिन 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, ये सारा कुछ मैटर करता ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि मेगापिक्सल से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, फ़र्क पड़ता है अगर सेंसर अच्छा हो, तो सेंसर अच्छा होना चाहिए और जो इमेज प्रोसेसिंग है फ़ोन की वो भी अच्छा होना चाहिए, उसके बाद जो पिक्चर की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही आप लोगों को अच्छा प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये है जो भी कैमरा सेटअप यहाँ पे दिया गया है वो सारा कुछ एकदम परफेक्ट है और ठीक भी है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो सारा कुछ मिलकर ये एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। और लास्ट सवाल है, क्या इस फोन को लेना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों ये है एक 5G स्मार्टफोन। शायद आप लोग सोच रहे हो कि अभी तक तो इंडिया के अंदर 5G नहीं आया है, तो मैं इस प्राइस रेंज के अंदर स्नैपड्रैगन 855 वाला स्मार्टफोन ले लूं। लेकिन दोस्तों नहीं, ये एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, तो इस फोन को आप लोग को चूज करना इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे है 5G, और जिस भी फोन के अंदर 5G दिया जाता है उन सारे फोन्स के अंदर आप लोग 4G स्पीड को भी बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाओगे। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि जो 5G चिपसेट्स होता है ना, वहाँ पे नेटवर्क बैंडवाइड बहुत ही अच्छा होता है, तो इसीलिए आप लोग 4G स्पीड को भी बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाओगे। नॉर्मल जो 4G स्मार्टफोन्स होता है उससे ज़्यादा, उससे कई गुना आप लोग स्पीड वहाँ पे देख पाओगे, नेटवर्क इंटरनेट स्पीड, ओके। तो शायद आप लोगों को क्लियर हो गया है क्या इस फोन को लेना चाहिए या फिर नहीं। तो शायद आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैंने एक गेमिंग चैनल स्टार्ट की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस गेमिंग चैनल के लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप लोग चाहो तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।